भाई आप लोग सोनी बजाज का ये वाला सर्विस सेंटर में भाई कभी नहीं आना, ठीक है भाई। यहाँ पे लोगों को लूटता है, ठीक है। काम का रेटिंग जो है एकदम घटिया है, तो देख सकते हैं यहाँ पे। फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, मेरा टोटल कॉस्ट है। तो भगवान का नाम लेके ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो है गाइस, कैसे हो, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल राजदीप प्लेटफॉर्म। से दोस्तों बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ, एंड आई होप मेरे डोमी को आप लोग बहुत दिन के बाद ही देख रहे हो। तो आज जो है मेरा डोमी को खुद सर्विसिंग करने का डेट है, तो अभी हम जाएंगे बाइक को सर्विसिंग करने के लिए। तो सबसे पहले जो है बाइक को निकाल लेते हैं, बिकॉज बाइक को निकलना ज़रूरी है। एंड भाई यहाँ से बाइक निकलते घुसते हैं, मेरा फट के चार हो जाता है। क्या बोला तूने? कभी और क्या ही कर सकते हैं, निकलना होगा क्लच पकड़ के पकड़ के, ब्रेक पकड़ के पकड़ के। ओके सो गाइस, फाइनली जो है मेरा गाड़ी जो है नीचे आ गया। हम देख सकते हैं ये वाला स्टिकर क्या ही प्यारा लग रहा है। एंड गाइस, इस वाला बाइक में कुछ दिनों के बाद मोटिवेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। एंड जो भी चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज आज के वाला वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई कोर्स सर्विसिंग का कितना कॉस्ट आता है एंड कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले जो है बाइक को थोड़ा सा कूल स्टार्ट दे लेते, बिकॉज बहुत दिनों से बाइक स्टार्ट नहीं हुआ। ओ भाई, मैंने भाई ऑलमोस्ट 7 to 10 days के बाद ये वाला डोमी को स्टार्ट किया। लुक देख सकते हैं भाई, जस्ट लुक एट दिस व्यू मैन। एंड बाइक का जो है मैं बहुत ही खतरनाक वाला रैप करने वाला हूँ कुछ ही दिन में, तो बहुत ही तगड़ा तगड़ा कंटेंट आएगा गाइस, इसलिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब अभी के अभी, ठीक है। तो पहले तो है गेट मार लेते हैं। ठीक है भाई, तो अभी चलते हैं। जय बजरंगबली। तो गाइस, बहुत दिन के बाद मेरा टॉमी जो है रोड पे चल रहा है, मतलब मेरा बायरन में चल रहा है। तो आई होप मोटरब्लॉक का एंगल आपको अच्छा आ रहा होगा। तो ये देख सकते हैं, ये जो है मेरा बायरन है भाई। बहुत दिनों के बाद मैं मेरा डोमी को स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड डोमी को लेके मतलब कहीं जा रहे हैं, तो संडे राइड भी जाना होगा गाइस। तो गाइस, मैं जो है गाड़ी को अभी अंदर जाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये देख लीजिए, सोनी बजाज का सेंटर है ये। फाइनली बजाज शोरूम के सर्विस सेंटर में आके पहुंच गए, एंड अंदर जो है मेरा डोमिनर का एकदम अच्छे से काम हो रहा है। तो यहाँ पे है भैया, भैया जो है बाइक का पूरा काम कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बाइक का अभी मोबिल निकल गया, अभी नया मोबिल लगने वाला है बाइक में, देख सकते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे बजाज का है 10W50। तो यहाँ पे 5 आता है, ये लेके 6। भैया इसमें कितना लीटर है? 1.15। और बाकी ये सब में, तो ये सब जो है गाइस मेरा डोमिनर में अभी लगने वाला है, देख सकते हैं। तो सारा का मोबिल जो है बाइक में अभी डल चुका है, देख सकते हैं पूरा 6 बोतल। तो
गाइस देख सकते हैं ये बजाज का ब्रेक पैड है जो कि एकदम धस चुका है। थोड़ा सा सीरीज वीरीज मार के काम करा दिए, बाद में लगाएंगे। कितना दिन चलता है भैया एक ब्रेक पैड? चलाने को तो बारिश के मौसम में थोड़ा कम ही चलिए। जब से लिया तब से चेंज नहीं किया अभी तक। चेनो तो दे देना दादा, ये तो चेनो और चेनो दे दो कमा। चेनो ना है ना, टाइम नहीं, ठीक नहीं क्या टाइम है? सब 11:15। अरे बाकी यूट्यूब की ओर करना है, हिट पे सर। ডোমিনার মুভি সার্ভিসিং দেওয়ার পর এখানে কিবা একটা চিহ্ন থাকে না? ও এটা এফআই এ কিবা একটা ইঞ্জিনিয়ারিং থাকে না, ওটা যেটা সার্ভিসিং করা পড়ে জায়গা, এটা কোনটা আছে? এটা 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 নিকি ভালো, এটা এটা নিকি ভালো, এটা এটা নিকি ভালো। মজা আয়া না, এটা অন্য বলে কিবা একটা সার্ভিসিং এর সিম্বল কোনটা? এটাই এটা সার্ভিসিং এর সিম্বল ডোমিনার। হ্যাঁ এটাই হইব, এটা তো অন অফ করার না সিম্বলটা, এটাই সার্ভিসিং এর নিকি। চল सो गाइस, फाइनली जो है मेरा बाइक का सर्विसिंग हो चुका है। एंड मैं अभी आपको बोलने वाला हूँ कि भाई आप लोग सोनी बजाज का ये वाला सर्विस सेंटर में भाई कभी नहीं आना, ठीक है भाई? यहाँ पे लोगों को लूटता है, ठीक है? मेरे को मतलब मेरे का सर्विस कॉस्ट टोटल आया भाई, देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को 2200 रुपया बोला था, तो डिस्काउंट डिस्काउंट करा के 1487 रुपीज़ आया, ठीक है? एंड भाई यहाँ पे मतलब काम का रेटिंग जो है एकदम घटिया है मेरा भाई। वैसे कुछ भी काम नहीं हुआ, बस मोबिल डाउन हुआ एंड ब्रेक पैड जो है ब्रेक पैड को थोड़ा सा रेट मार के थोड़ा सा यहाँ पे ग्रिप बना दिया, और उसके बाद क्लच में थोड़ा सा मतलब तेल बेल डाल दिया भाई। मेरे से मतलब 1800 रुपया ले लिया, ठीक है? और लेबर चार्ज बोल रहा है कि 400 एक्स्ट्रा आएगा, तो सब मिला के मेरे को 1800 रुपया लिया, 1800। तो भाई अगर मैं यहाँ पे ना आके भाई शोरूम से करवाता तो मेरे ख्याल से मेरे को ज़्यादा बेनिफिट होता। एंड भाई आप लोग देखो एक चीज़, डोमिनर में ये वाला मतलब सर्विसिंग होने के बाद भी ये वाला ये सिंबल यहाँ पे आ रहा है, एंड ये भी एक सिंबल आ रहा है। तो ये सिंबल किसका है भाई आप लोग कमेंट करो, जो भी मतलब डोमिनर ओनर है, ठीक है? तो भाई क्या करने आया था भाई, क्या हो गया? एंड यहाँ पे भाई हमें थोड़ा ऑयल शॉयल मांग दिया, मतलब यहाँ का मतलब काम का मतलब क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है? जितना आपको मतलब आपको मैं एक बेस्ट सजेशन देता हूँ गाइस, आप लोग मतलब जहाँ से आप बाइक खरीदते हो, बाइक खरीदने के बाद मतलब आपको जिस मतलब सर्विस सेंटर में रिकमेंड करता है वहाँ पे जाके आप लोग सर्विसिंग करवाओ, तो आपको मतलब ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है भाई? बाहर बाहर के चक्कर में मत पड़ो भाई, ठीक है? नहीं तो आपका बाइक टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, मेरा टोटल कॉस्ट है 1400, देख सकते हैं। तो क्या ही करें, और आज का वीडियो और ज़्यादा लंबा नहीं होगा, एंड डोमिनर से रिलेटेड और भी गाइस बहुत मस्त मस्त कंटेंट आता रहेगा, ठीक है? तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है? तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।